विकास दीपोत्सव। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गण, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे जी, हमारे यहाँ के सभी अधिकारीगण, पार्षदगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपोत्सव का पर्व दीपावली एक सप्ताह का यह विकास दीपोत्सव का आयोजन आज प्रदेश के 17 नगर निगम समेत 200 अन्य नगर पालिका परिषद में एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। आप सब ने देखा है, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये महामारी है कोरोना की। कोरोना कालखंड में जब लोगों की आजीविका पर संकट आया, उनके जीवन और जीविका दोनों संकटग्रस्त हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए कुछ मंत्र दिए थे। उन मंत्रों के साथ यह विकास दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर जब मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ, माननीय सांसद संजय सेठ जी और अन्य अधिकारियों के साथ, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ जब हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए तो मुझे बताया गया कि 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े। और उसी में हम कुछ पंडाल में गए, अलग अलग उत्पाद उन लोगों ने तैयार की। और लखनऊ तो वैसे भी चिकन कारीगरी के लिए विख्यात रहा है। उन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अगले एक सप्ताह तक चलेगा और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। और इसलिए इस अवसर पर हम सब आपके प्रति बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमें इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर आदि गंगा के रूप में विख्यात मां गोमती की आरती से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत नदी संस्कृति का देश है। हमने अपनी हर नदी को गंगा जैसी पवित्र नदी के रूप में मान्यता दी है।
उसकी अविरता और निर्मलता के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की नदी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया है। हमारा भी दायित्व बनता है, हम अपने इन सभी अविरल और निर्मल नदियों के संरक्षण के लिए अपना अपना योगदान अपने स्तर पर भी देने का कार्य करें। यहां गंदगी न फेंके, किसी प्रकार की उसमें अतिक्रमण न होने दें, किसी को भी उन नदियों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दें। अगर ये सभी संकल्प हर भारतवासी ले लेगा तो फिर दुनिया में क्या होता है, लेकिन भारत में जल का संकट कभी नहीं आ सकता। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हमारे उत्साह और उमंग के अवसर होते हैं, लेकिन इस उत्साह और उमंग के साथ एक गरीब को भी हम जोड़ सकें, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उस उत्साह और उमंग के साथ जोड़ सकें, इस दृष्टि से आपने देखा होगा यहां पर अभी अनेक प्रकार के लाभार्थियों को मंच पर बुला करके सम्मानित करने का काम भी हुआ। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों ने जो अभूतपूर्व कार्य किया, वे सभी अभिनंदनीय हैं। इसके लिए उन सबका हमने यहां पर मंच पर अभिनंदन किया। हमने यहां पर स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख स्ट्रीट वेंडर यानी ठेला, खोमचा, रेड़ी, पटरी व्यवसायी 8 लाख ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रत्येक को 10,000 रुपए का लोन बैंक से उपलब्ध करवा चुके हैं, और जिन्होंने डिजिटल पेमेंट से अपनी राशि वापस की है उन्हें जितना इंटरेस्ट था वह सभी राशि वापस हो चुकी है, यानी 0 इंटरेस्ट पर उनको 10,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उपलब्ध हुई है। ये पहली बार हुआ है, पहली बार स्ट्रीट वेंडर के पुनर्वास की कोई विकास की योजना बनी, और पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भारत सरकार के स्तर पर कोई कार्य योजना बनी है। आज इन सबको यहां पर सम्मानित करते हुए हमें आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के इस गौरव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर नगर निकाय का दायरा बढ़ा है। कल ही हम लोगों ने 83 नए नगर निकाय में कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है, यानी नगरीयकरण विकास की एक आधार और उस आधार के साथ जुड़ती है आम जन की बुनियादी सुविधाएं, आम जन को बेहतर सुविधाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विगत 4.5 वर्ष में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। ये आवास आजादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया है ये लोग भी उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन गरीब के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। 2.61 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया है। पहले भी उपलब्ध हो सकता था, लेकिन इससे पहले की सरकारों में संवेदना गरीब के प्रति नहीं थी। 1.41 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए हैं। ये बिजली के कनेक्शन और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों में संवेदना नहीं थी। 1.56 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन भी दिलाए थे, और जब ये योजना प्रारंभ हुई थी और प्रदेश के अंदर 1.46 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए थे, तब इस विभाग के मंत्री के रूप में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। आज मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 8 करोड़ गरीबों के घर में एक ग्रीन ईंधन के रूप में LPG का सिलेंडर मौजूद है। 6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना प्राप्त हुई है, और हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर हर गरीब, हर निवासी या प्रवासी कामगार को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के मन में गरीब के प्रति, किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, व्यापारी के प्रति, स्ट्रीट वेंडर के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है,
लेकिन पहले की सरकारों के लिए अपना स्वयं का खानदान ही प्रदेश हुआ करता था, उनके पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वह देख सके पूरे प्रदेश को। पहले बहन बेटियां स्कूल जाने में डरती थी, मैं भी देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे स्टॉल पे खड़े थे, स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे। पहले बच्चे डरते थे स्कूल जाने में, बालिकाएं और भी भयभीत होती थी। आज किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी बेटी को छेड़ सके, क्योंकि उसको मालूम अगर छेड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो हर व्यक्ति जानता है। भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार होता था, और जब कमाई का साधन होना होता था, स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, हर व्यापारी के लिए जब कमाई का माध्यम बनता था, तब दंगे शुरू हो जाते थे। 4.5 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, आप तो दंगाई तो डरी गए, अब आपके पर्व और त्योहार को देखकर कोरोना भी भयभीत हो गया है। आपने देखा होगा कोरोना एकदम शांत है दुनिया के अंदर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, यूरोप में, चीन में लॉकडाउन चल रहा है, और यहां पर हम अपने उत्साह और उमंग के साथ, अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने सही मायने में आस्था का सम्मान किया है। याद करिए, जब 3 नवंबर को हम लोग अयोध्या में होंगे, नगरीय क्षेत्र में अब तक 9 लाख गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है, उन 9 लाख घरों में भी एक एक दीपक चलेगा। और भाइयों बहनों, 9 लाख दीपक हम अयोध्या में प्रभु राम के उस पावन स्थल पर भी जला करके दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ जोड़ेंगे। पहले की सरकारें अयोध्या जाने में डरती थी, पहले की सरकारें राम का नाम लेने में डरती थी, कृष्ण का नाम लेने में डरती थी, पर्व और त्योहारों में बधाई देने से डरती थी। आज तो अयोध्या में दीपोत्सव है, तो वृंदावन बरसाना में रंगोत्सव भी है, काशी में देवो दीपावली है, तो प्रयागराज में माघ मेला या कुंभ का आयोजन भी होता है। आज हरेक धर्मस्थल पर्यटन संवर्धन की नई योजना के साथ जुड़ करके आस्था का सम्मान भी कर रहा है, आस्था का सम्मान भी है, हर नागरिक को सुरक्षा भी है, और सबके स्वावलंबन का कदम भी ये विकास दीपोत्सव जैसे पर्व और आयोजन के माध्यम से हो रहा है। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ लखनऊ वासियों के साथ जुड़ते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। जो यहां पर वेंडर्स आए हैं, जो 1500 दुकानें आई हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, इनकी खूब बिक्री हो, पर्व और त्योहार का आनंद लें, आप सबका जीवन मंगल में हो, पर्व और त्योहार आपके जीवन में खूब खुशहाली लाए, इस कामना के साथ दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए कि उत्तर प्रदेश के हर घर को सुख शांति